आप सब लोग यहाँ? जी हम लोग, एक खबर चल रही है। सुना है एक लड़की ने हाँ कर दी है। लो भाई, इस बात में मीठा तो बनता है। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। शुक्रिया आप सबके इतने प्यार का। खुशी के मौके पे आंसू नहीं बहाते, अरे खुशी मनाते हैं। चलो इस बात पे तो मुंह मीठा करना बनता ही है। भाभी यूं अचानक बैठे बैठाए शादी, और वो भी अपने आबान की। सिकंदर बैठे बिठाए कहां? तारीख एक बार फिर से मोहब्बत की कहानी दोहरा रही है। आपको याद है जब अमान हमें ब्याहने के लिए आए थे तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही आए थे। उस वक्त हमें अमान के सहारे की बहुत जरूरत थी, और अब हमारे अबान को निमरा की जरूरत है। तो बस हम उनकी शादी करना चाहते हैं, और वैसे भी बैठे बैठाए कुछ नहीं होता, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से प्लान्ड होता है। हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, है ना रोशनी? जी जी भाभी, मैं भी बहुत खुश हूँ अबान की शादी के लिए। जरूर आपने खानदान वगैरह देख लिया होगा, सब जांच कर ली होगी। हाँ बिल्कुल, हमने सारी जांच कर ली है, डोंट वरी। बाय द वे बड़ी मॉम, निमरा के खानदान को आपने कैसे जांचा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ताहिरा के शेल्टर होम में रहती है, जहां लावारिस खवातीन रहती हैं। ओ, अच्छा। क्या कहा? लावारिस? मतलब कि खानदान का कुछ नहीं पता? भाभी आप तो कुत्ते भी नस्ल देख कर ही पालती हैं, फिर ये बहू? रोशनी, जैसे हमें कुत्ते और बिल्ली की पहचान है, उसी तरह हम इंसान की पहचान भी रखते हैं। वैसे भी हमें निमरा के खानदान से वो कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने बेटे की खुशी अजीज है। भाभी आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, और मैं आपके इस फैसले के साथ। तो बस फिर सिकंदर, आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। हमारे बेटे की शादी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे भाभी आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, आप देखिएगा हमारे अबान की शादी दुनिया देखेगी, इतने शायाना शान तरीके से होगी। वर्ल्ड के मशहूर शायरों को मधु किया जाएगा इस शादी पर, और अगर आप कहेंगी तो दो तीन क्लासिकल सिंगर को भी इनवाइट कर लेंगे। क्यों डैड, मुशायरा नहीं करना है, शादी करनी है। ओके वेल, डू व्हाटएवर यू वांट, बट मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। बड़ी मॉम आप फिक्र ना करें, शादी तो धूमधाम से ही होगी।
हेलो हेलो मिस नम्रा, सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है भाभी। वैसे मानना पड़ेगा मिस नेचुरल ब्यूटी को, इस मासूम चेहरे के पीछे कितना शातिर दिमाग काम कर रहा है। क्या मतलब है आपका सर? मतलब डायरेक्ट ग्रीना आंटी के बेटे से शादी। ये सब तो किस्मत का खेल है ना सर? अच्छा, मुझे तो ये तुम्हारा खेल लग रहा है। जी मजाक कर रहा हूँ। खुदाफिज सर। अच्छा बात सुनो, वेट वेट वेट, मुझे पूछना ये था कि अबान से शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल है क्या? मेरी अबान से शादी में आपको क्या परेशानी हो रही है सर? अरे मुझे क्या परेशानी होगी। वेल एनीवे, गुड लक। थैंक यू, खुदाफिज, सी यू सून। बेवकूफ लड़की, एक पागल से शादी करना चाहती है। आ जाइए। अयूब, तुम खाना खाए बगैर सो रहे हो? मुझे तो खाली पेट बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सो नहीं रहा था। ऐसे भूख नहीं थी इसलिए खाना नहीं खाया। आते आप, तुम ये सब क्यों करती हो? तुम्हें नहीं पसंद मैं जानती हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं भी ये सिर्फ एक दोस्त होने की हैसियत से करती हूँ। और एक बात याद रखना, मुझे तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा जीवन साथी बनना गवारा नहीं है, बिलीव मी। यकीन है मुझे, यकीन और एतबार का टूटना क्या होता है, ये मुझसे बढ़कर कोई नहीं जान सकता। खैर खा लूं खाना। ओहो, तो लाई किस लिए हूं? तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है मैंने आज। कैसा लगा? अच्छा, मजे का है। थैंक्स, तुम्हें पसंद आया, मुझे खुशी हुई। तुम भी खाओ ना।